तो चल चल भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर दोस्त हम सब बातें करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F13 के बारे में, जिसे अभी रिसेंटली में इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। प्राइसिंग की जहां तक बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फोन की जो बेस वेरिएंट की कीमत है वो लगभग 12,000 रुपए के आसपास इंडिया के अंदर रखी गई है। और इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं उन सारी चीजों के बारे में जो कि आपको जाननी जरूरी है इस फोन के बारे में। बातें करेंगे उन चीजों के बारे में जो कि पर्सनली मुझे अच्छी लगी गैलेक्सी F13 के बारे में। ऑफकोर्स बातें करने वाले हैं उन चीजों के बारे में भी जो कि मुझे F13 के बारे में अच्छी नहीं लगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्त, अब जब मैंने आप लोगों को इस फोन की प्राइसिंग के बारे में बता ही दिया है तो मैं आपको ये भी बताने चाहता हूं कि ये फोन और कोई नहीं बल्कि गैलेक्सी M13 का थोड़ा सा एक अपग्रेडेड मॉडल है। अब यहाँ पे क्या चीजें चेंज की गई हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर चेंज किया गया है गैलेक्सी M13 के मुकाबले वो है इस फोन की थिकनेस। थिकनेस मतलब थोड़ा सा ये फोन मोटा हो गया है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस फोन के मुकाबले इस फोन के साथ आपको 6000 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू 5000 एमएच की बैटरी जो कि M13 के साथ आपको देखने को मिल रही थी। वेल अब अगर बातें रही बाकी की फोन की तो अब बातें कर लेते हैं कि 12,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आपको और क्या सारी चीजें देखने को मिल जाती है इस फोन के साथ। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, इस फोन के साथ आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली रेजोल्यूशन वाली LCD स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको ये वी शेप की नॉच का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे सच बताऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस फोन के डिस्प्ले के साथ, लेकिन कम से कम 12,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे हमें एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती तो वो एक अच्छी बात हो जाती। मतलब कम से कम अगर LCD स्क्रीन भी यहाँ पे अगर कंपनीज दे रही है तो हाई रिफ्रेश रेट का तो सपोर्ट होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस फोन के साथ। एनीवेज दोस्त आगे बढ़ते हैं और अब बातें कर लेते हैं इस फोन के लुक्स और डिजाइन के मामले में। तो लुक के मामले में भाई नो डाउट, खासकर इस फोन का पिंक कलर है वो यार सच में काफी कमाल का नजर आ रहा है। बैक साइड से ये फोन ऑफकोर्स गैलेक्सी S22 सीरीज जैसी ही नजर आ रही है, फ्रंट साइड से ये थोड़ा सा मिड रेंजर फोन ही जैसा नजर आ रहा है। बाकी डिजाइन की जहां तक बात ही आती है तो इस फोन का जो बैक है वो पूरा का पूरा आपको बताना चाहता हूँ प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ बनाया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में कुछ खास मत एक्सपेक्ट करना इस फोन के साथ। इवन फ्रंट साइड पे यहाँ पे कौन से गोरिल्ला ग्लास या फिर किस चीज का प्रोटेक्शन दिया गया उसके बारे में भी यहाँ पे कंपनी ने कुछ भी नहीं कहा है। वेल अब अगर जहां तक गैलेक्सी F13 के कैमरास की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस V-Shape के कैमरा के साथ आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, और बैक साइड की जहां तक बात आती है तो एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, एक 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, और ऑफकोर्स एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैमरास की कहानी कुछ ऐसी हो गई इस फोन के साथ। बैटरी की डिपार्टमेंट की जहां तक बात आती है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस फोन के साथ आपको 6000 एमएच की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि ऑफकोर्स इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी कमाल की बात है। सैमसंग की बैटरी यार चलती भी काफी लंबी है, ऊपर से यहाँ पे आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जा रहा है, और चार्जर हाँ ये फोन आपको बॉक्स के साथ प्रोवाइड करा देगा। बाकी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ज्यादा भी एक्सपेक्ट करना ठीक भी नहीं है, खासकर सैमसंग जैसे फोन के लिए, और इस वजह से 12-13 हजार रुपए के आसपास ये एक मस्ट बाय फोन हो जाता है। और वैसे हाँ दोस्त मैं बिल्कुल भूल ही गया, यहाँ पे आपको एक्सिनोस 850 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और ऑफकोर्स बेस वेरिएंट के साथ आपको 6 या फिर 4 GB की रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्म कैसा करता है ये बात आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, और मिड रेंजर एकदम परफॉर्मेंस है, कुछ खास एक्सपेक्ट मत करना। तो सच बताऊं तो दोस्त इन बेंचमार्क्स को देख के ये बात आप लोगों को भी पता चल गई होगी कि परफॉर्मेंस के मामले में आप लोगों को कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस फोन के साथ। बाकी ये तो थी कहानी गैलेक्सी F13 की। अब यहाँ पे आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये फोन आपको कैसा लगा, वही सारी चीजें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है, और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइक चपकाओ इस वीडियो पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब लाल वाले बटन को दबा के, और चलो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।